नहीं होती। शासन के स्तर पर बेहतर प्रयास भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए, और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास टीम का भी अभाव हो। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अच्छे अधिकारियों की टीम भी रहती है, तब भी उन नए कोर्सेज के लिए तमाम मशक्कत करनी पड़ती है। याद करिए, आज से 100 वर्ष पूर्व महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी कोर्सेज दिए हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी देश को और समाज को एक नया नेतृत्व दे सकते हैं। सरकार के सहयोग से नहीं, अपने स्तर पर। उस समय की क्या आवश्यकता थी, कैसे भारत के लोग दुनिया में नेतृत्व प्रदान करेंगे, कैसे नालंदा और तक्षशिला का एक मॉडल काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनेगा, और उससे भी उत्कृष्ट कैसे हम कार्य करके दिखाएंगे, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी हम सबको देखने को मिलता है। यानी इन दो महापुरुषों के नाम से जुड़ी हुई एक संस्था आज यहां पर भूमि पूजन के साथ यहां पर आगे बढ़ रही है। माघी पूर्णिमा भी है, संत रविदास जी का पावन जन्म जयंती का दिन भी है, सदैव भावरास देवरास जी का भी और महामना जी का भी नाम एक साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से चारों दिशाएं जब अनुकूल हो तो परिणाम अनुकूल आएंगे ही। वो परिणाम हम सबके सामने यहां देखने को मिले थे, जहां पर हम लोगों ने अभी मंच में उन छात्रों को सम्मानित किया है, जो छात्र अब तक इस प्रकल्प को प्रारंभ करते समय बालकों के छात्रावास के माध्यम से जिन छात्रों ने नीट और आईआईटी जेईई में सफलता प्राप्त की है, उनके हम यहां पर कभी कथा सुन रहे थे कैसे उन लोगों ने इसमें प्रयास किया, कैसे वे लोग आगे बढ़े। बालिकाएं जो भी इस प्रकल्प के साथ जुड़ी हैं, जो एक किराए के भवन में रह करके पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यह न्यास उन बालिकाओं के उत्तम पठन पाठन के लिए एक मंच दे रहा है, बिना भेदभाव के उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है और उत्कृष्ट शिक्षा उन्हें प्राप्त हो सके, किसी भी प्रकार की आर्थिक बंधन उनके मार्ग में बाधा न बने, यह कार्यक्रम भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। और उनके लिए बनने वाला यह छात्रावास और इसके उपरांत बनने वाला जो शिक्षण केंद्र होगा वो अपने आप में एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए न्यास को हृदय से बधाई देता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, केंद्र और राज्य सरकार ने एक ऐसी स्कीम प्रारंभ की है जो छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद कर सकता है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। आपने देखा होगा कि बालिकाओं के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की है। एक कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के अंदर, जब प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान इधर आकर्षित किया कि भ्रूण हत्या कुछ जनपदों में ज्यादा हो रही है, इसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए और इस समाज की समस्या थी, समाज की एक चुनौती थी, लेकिन सरकार उसके साथ कैसे जुड़ सकती है। हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कन्या सुमंगला योजना की, जिसमें बालिका के जन्म लेने के साथ ही अगर बालिका का रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ उस बालिका के नाम पे अकाउंट खुल जाएगा, उसके परिवार को और बालिका के नाम पर एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में चली जाएगी। अक्सर होता है, अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं बालक और बालिकाओं के बीच में भेद होता है। बालिका हो बालक होंगे तो उसको सभी प्रकार के टीकाकरण लगे, टीकाकरण से आच्छादित किया जाता है, बालिका होती है तो नहीं किया जाता है। बालिका के साथ कोई भेदभाव ना हो इसलिए एक वर्ष के अंदर उन सभी प्रकार की मिशन इंद्रधनुष के साथ जोड़ करके सभी प्रकार की टीकाकरण से बालिका को युक्त करने के और सर्टिफिकेट जैसे ही प्राप्त होगा एक निश्चित राशि बालिका के नाम पर फिर उसके अकाउंट में चला जाएगा। बालिका पहली क्लास में एडमिशन लेगी तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित राशि उस बालिका के अकाउंट में चली जाएगी। बालिका छठी क्लास में जाएगी तो भी धनराशि जाएगी।
नौवीं क्लास में जाएगी तो भी एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी, नौ अपनी हायर सेकेंडरी पास करने के बाद वह कोई सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स करना चाहती है तो एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी और कुल मिलाकर के 15,000 का एक पैकेज हम उस बालिका को शासन के स्तर पर कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो बालिका अपने पैरों में खड़ी हो सके और उसकी अपनी उन जरूरतों को पूरा कर सके। यद्यपि शिक्षा उस फ्री में हम लोग शासन से स्नातक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरा, बालक और बालिकाओं के लिए, याद करिए कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के हमारे जो बच्चे थे ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए IIT JEE के लिए और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा में बहुत सारे बच्चे थे, 15,000 से ज्यादा बच्चे वहां तैयारी कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन लग गया, परिवारों में चिंता हुई। मैंने उस समय राजस्थान की सरकार से बातचीत की कि भाई आप इन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद कर दें, तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी। मैंने फिर यहां से अपने प्रशासन के माध्यम से 500 बसेज वहां भेजी थी, उन सभी बच्चों को हम सुरक्षित वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी किया था और पहुंचाने का ही कार्य नहीं किया था बल्कि हम लोगों ने इसके बाद कहा था कि भाई हम इन बच्चों के लिए व्यवस्था देंगे जिससे आने वाले समय में यहां के बच्चों को कहीं बाहर न जाना पड़े। हम लोगों ने वर्तमान में अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की है जो उन बच्चों को फ्री में कोचिंग की सुविधा देती है, दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी, जिसमें हमारे उस कंपटीशन से निकले हुए जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जैसे IAS या IPS की अखिल भारतीय परीक्षा की तैयारी कोई कर रहा है तो जो हमारे वहां से पास आउट जो छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है IAS के लिए, IPS के लिए, IFS के लिए, उनसे हम हर जनपद में क्लास लिवाते हैं, कम से कम एक घंटा उन छात्रों के लिए उन जनपदों में देगा। या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए की तैयारी कोई छात्र कर रहा है तो वे जो भी जनपद में तैनात हैं वे जनपद में तैनात अधिकारी ही वे क्लास लेते हैं। और इसके अलावा जो इंजीनियर सिलेक्शन, जिन इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है या जिन चिकित्सकों का सिलेक्शन होता है वे भी उस जनपद में जाकर क्लास ले रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 43 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से वहां के माध्यम से जुड़े थे और उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुआ था और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। उसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम भी हम उसके साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आज बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन, इसमें केंद्र और राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी प्रकार के प्रोग्राम हैं जो एक छात्र को सक्षम बना सकता है, न केवल डिजिटली सक्षम बनाएगा बल्कि उस छात्र को, जैसे एक बार मैंने एक तकनीकी संस्थान से, बहुत उत्कृष्ट तकनीकी संस्थान है उत्तर प्रदेश का, उसके 20 छात्रों ने, फाइनल ईयर के 20 छात्रों ने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। मुझे भी अच्छा लगा कि 20 छात्र मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे भी पूछूंगा क्या वे कर रहे हैं। वे 20 छात्र मेरे पास आए थे, मैंने उन लोगों से पूछा परिचय के बाद, मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोग अब अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, तो 20 में से 2 ने कहा हमें पैकेज मिल गया है, हम बाहर जाएंगे। 4 छात्रों ने कहा कि हम सरकारी नौकरी करेंगे। 14 जो थे उनमें से 4 ने कहा कि साहब हम तो अपने पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 10 छात्र थे उन्होंने कहा साहब हम अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन ये 10 जो छात्र थे जो अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं वो कह रहे थे हमारे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा इसमें तो आपको भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा संचालित विभिन्न स्कीम की जानकारी है या नहीं है, तो वे चुप रहे। मैंने कहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सुना है, उन्होंने कहा नहीं।
मैंने कहा क्या आप लोगों ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में सुना है? कहा नहीं। मैंने कहा प्रदेश की वन जनपद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो हमारी योजना है और उसमें शासन के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी है, इसकी जानकारी आपको है? उन्होंने कहा नहीं है। हमने कहा यही होता है, जब समाज पीछे होता है और सरकार आगे होती है तो योजनाओं की जानकारी केवल सचिवालय स्तर के अधिकारियों को ही होती है, बाकी समाज उससे वंचित रह जाता है। ये इसका एक दुष्परिणाम यहाँ पे देखने को मिला। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर इस सभी स्कीम की जानकारी आपको होती तो आपको स्टार्टअप अपने फाइनल ईयर में ही आप अपने स्टार्टअप की तैयारी कर सकते थे और शासन की योजना का लाभ आपको सीधे बैंकर्स आपके घर में आकर के दे सकता था, आपके छात्रावास में आकर के दे सकता था। हम सबको इसके लिए छात्र अपने संस्थानों को तैयार करना होगा। शासन की योजनाएं ये केवल वोट बैंक के लिए नहीं होती है, योजनाओं के पीछे समाज के स्वावलंबन का एक मंशा भी होती है, लेकिन ये उन लोगों तक पहुंचने में उसको बहुत कठिनाई होती है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को, इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा हर एक चीज के लिए। आखिर स्टार्टअप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि के क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता? एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा फील्ड है, सबसे अच्छी उर्वरा भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, इसमें क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन हमें समाज को तैयार करना होगा, अपने युवाओं को उसके लिए तैयार करना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एमएसएमई यूपी का सबसे बड़ा बेस रखता है। यूपी के एक्सपोर्ट को शासन ने थोड़ा दिया, वो फिर से चलने लग गया और आज उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 1,60,000 करोड़ रुपए सालाना उसने एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश बन सकता है, एक कल्पना थी, आज वो हकीकत में आ चुका है। ये सभी कार्यक्रम अगर हम अपने युवाओं को इसके साथ जोड़ करके कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं हो सकती, कोई समस्या आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा से प्रधानमंत्री स्किल मिशन का जो कार्यक्रम है उसका चतुर्थ चरण प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे युवाओं को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा अभी से। स्किल मिशन के बारे में अगर भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी कार्यक्रम अपना घोषित कर रही है तो वह एक निश्चित प्रक्रिया के तहत हमारी संस्थाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना ही चाहिए। अगर हम इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे तो अपने छात्रों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी और वे डिग्री लेने के बाद उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा कार्यक्रम आज के दिन पे चल रहे हैं, इस पे थोड़ा भी प्रयास हम प्रारंभ कर देंगे उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पर महामना शिक्षण संस्थान जो भावराव देवरस न्यास के माध्यम से संचालित है, यहाँ पर बालिका प्रकल्प का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने और उसके माध्यम से समाज की नींव को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। यहाँ पर जिन दानदाताओं ने आज यहाँ पे सहयोग किया है, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ और मैं न्यास से और इस पूरे प्रकल्प से जुड़े हुए जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी कहूंगा कि सरकार आपके साथ में है, जहां पर भी कोई आवश्यकता पड़ेगी आप जरूर बताएगा, सरकार आपको हर प्रकार से इस प्रकार के पवित्र कार्यक्रम के साथ हर प्रकार से मदद करेगी। इस पूरे कार्यक्रम